लेडी इतना कमजोर बहुत होती है, इम्यूनिटी वीक है, शतावर चूर्ण ये सब महिलाओं को देना चाहिए, छोटे बच्चों को भी दो। शतावर जो है ये दो तरह का होता है, एक व्हाइट होता है, एक पीले रंग का होता है। हम पीले रंग वाला देते हैं जो ज्यादा गुणकारी होता है। शतावर चूर्ण इतना जबरदस्त है। शतावर चूर्ण के बारे में आप बता रहा हूं, सुन लो सब बहनों। एक तो जिन बेटियों की ब्रेस्ट का विकास नहीं होता उनमें बड़ा डिप्रेशन रहता है, क्योंकि ब्रेस्ट जब पूरी विकसित होती है तो लेडीज सुंदर लगती है। अब किसी भी महिला को बदसूरत तो दिखना नहीं है, लेकिन ब्रेस्ट का विकास ना हो, किसी किसी की चेस्ट एकदम फ्लैट होती है, फिर बहुत तरह की शादी ब्याह में भी दिक्कत आती है, उनको खुद को भी डिप्रेशन होता है। कुछ लोग ना ऐसी बातें करने में भी, खास करके लेडीज बात किससे करे, किसी को भी पूछे, माँ को पता नहीं, दादी को पता नहीं, किससे पूछेगी, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर को भी पता नहीं, उसको सिलेबस में पढ़ाई नहीं। अब हम साधु बाबा हैं, हमारे लिए तो सब बहन बेटियां बराबर हैं, अपने बच्चों की तरह, इसलिए हम सबको बता रहे हैं, नहीं तो ये कोई बताता भी नहीं। ब्रेस्ट का विकास नहीं होता तो एक तो उनको प्राणायाम कराओ, इससे ब्रेस्ट का विकास होता है। 5 मिनट करा दो, नहीं तो मैंने देखा बहुत बेटियां इससे डिप्रेशन में चली जाती हैं। मैं सुंदर नहीं लगती, मैं अच्छी नहीं लगती, मेरी ब्रेस्ट बढ़ नहीं रही है, मैं क्या करूं। शतावर का चूर्ण ये पीली शतावर है, इसका फोटो भी हमने दिया हुआ है इस पे। शतावर चूर्ण सब बेटियों को, और ये बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होती है इससे। आजकल क्या करते हैं, आजकल लड़के, जवान लड़के तो प्रोटीन के 5,000 रुपए 10,000 के डब्बे खरीद के लाते, फिर वो मसल्स बनाने के चक्कर में वो पीते रहते हैं। लड़कों को अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, ये मैं ताकत की दवाइयों के नाम पर कितना भ्रांति है। जेंट्स को, आपके भी घर में जेंट्स हैं, आपके पति हैं, आपके फिर बच्चे भी होते हैं, कमजोरी, जेंट्स के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, ये तीन, और लेडीज को केवल शतावर, बस। इसके फायदे सुन लो, एक तो लिकोरिया दूर होता है। लिकोरिया के तीन कारण हैं बड़े, एक तो जिन लेडीज का पेट खराब रहता है उनको लिकोरिया होता है। आप खुद पूछ लो अपने परिवार में, किसी भी बहू बेटी को पूछ लो, कॉन्स्टिपेशन जिनको ज्यादा होगा उनको लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, जिनको पित्त रहता है, गर्मी ज्यादा होती है, उनको लिकोरिया होता है, और तीसरा किसी किसी को जेनेटिकली होता है। शतावर एक तो ये किसी भी कारण से लिकोरिया है उसको ठीक करेगा, ब्रेस्ट का विकास करेगा, ये ब्रेस्ट में दूध भी आता है इससे, शतावर। ये तो आजमाई हुई चीज है, ये पूरी क्लिनिकली ट्रायल्ड, जो क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये आजमाई हुई चीज है। देखो जिन बहनों को स्तनों में दूध नहीं आता किसी को भी बता देना, शतावर, और दूसरा जीरा, जीरा को थोड़ा सा भून लेना हल्का सा कढ़ाई में, हल्का सा, फिर उसका पाउडर कर लेना, 3 ग्राम शतावर का चूर्ण, 2 ग्राम जीरा, बस। कितना बोला, 3 से 5 ग्राम मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा डाइजेस्ट नहीं होता है। 3 से 5 ग्राम शतावर चूर्ण, 2 ग्राम जीरा, सुबह शाम दूध को साथ पिला दो। मैंने कितनी बहन बेटियों पर यह प्रयोग किया।